सेमल के फायदे और नुकसान जानने की आपको आवश्यकता क्या है? यदि आपके मन में ऐसा कोई प्रश्न उठ रहा हो तो यह जान ले कि सेमल को मूक डॉक्टर भी कहा जाता है। यह एक आयुर्वेदिक वृक्ष है जिसके सभी भाग जैसे फूल, फल, पत्तियां, जड़ और छाल आदि का उपयोग विभिन्न प्रकार के बीमारियों को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद में इसे यौन अवस्था को बढ़ावा देने, अस्थमा, खून की कमी, दस्त जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं सेमल के फायदे और इसके ढेर सारे उपयोग और इससे संबंधित सेमल के पेड़, सेमल के गुड़, सेमल के पोषक तत्वों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चिकित्सा तत्व विज्ञान में। आप सेमल के पेड़ के बारे में तो जानते ही होंगे क्योंकि ये भारत में एक सामान्य रूप से मिलने वाला औषधीय पेड़ है। सिल्क कॉटन वाला यह पेड़ ऊंचाई में बढ़ने वाला पर्णपाती पेड़ है जिसकी लंबाई 20 से 25 मीटर तक हो सकती है। यह पेड़ सीधा और बोतल की तरह बेलनाकार होता है। वैसक सेमल पेड़ के तने का व्यास लगभग 80 सेंटीमीटर होता है। इस पेड़ की शाखाएं अधिकतर पेड़ के ऊपरी हिस्से में होती है तथा तना लगभग शाखाओं से मुक्त रहता है। इसकी पत्तियां 6 से 7 के समूह में होती हैं। इस पेड़ के फूलों का रंग लाल होता है जिनसे सेमल के फलों का विकास शुरू होता है। इसके फलों का रंग प्रारंभ में हरा होता है जो कि परिपक्व होने पर भूरे काले रंग के हो जाते हैं। इन फलों से ही सिल्क कॉटन प्राप्त होता है। सेमल के पेड़ और इसके सभी भागों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड, विटामिन ए और विटामिन सी अच्छी मात्रा में मौजूद रहते हैं। सेमल के विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। सेमल का पेड़ वीर्य पतन की समस्याओं के लिए बहुत फायदेमंद है। यदि आपको स्वप्न दोष और वीर्य से संबंधित समस्याएं हैं तो आप सेमल की जड़ों को अन्य जड़ी बूटियों जैसे कि विदारीकन, सतावरी और मिश्री को मिलाकर दूध के साथ प्रतिदिन 2 बार सेवन करें। यह आपकी स्वप्न दोष और वीर्य से संबंधित समस्याओं को दूर करने में काफी मदद करेगा। सेमल का पेड़ खून को साफ करने में भी काफी मदद करता है। आपके शरीर में अधिकांश चर्म रोग खून में उपस्थित अशुद्धियों के कारण सेमल की कुछ ताजी पत्तियां तोड़ें और इन्हें पानी के साथ पीस लें, अर्थात ग्राइंड कर लें। इस पिसे हुए पेस्ट में 1 गिलास पानी मिलाकर इसे कपड़े से छान लें और फिर इसका सेवन करें। यह आपके रक्त को साफ करने में काफी मदद करेगा। सेमल की जड़ मासिक धर्म के लिए भी बहुत उपयोगी है। उन महिलाओं के लिए सेमल की जड़ एक औषधि का काम करती है जो कि मासिक धर्म के समय अतिरिक्त स्राव होने से परेशान है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए सेमल की जड़ को सुखाकर पाउडर बना लें और इसकी 100 ग्राम मात्रा में मुलेठी पाउडर 50 ग्राम और स्वार गेरू की 25 ग्राम मात्रा मिलाएं। इस मिश्रण को प्रतिदिन पानी के साथ दिन में 2 बार सेवन करें। यह महिलाओं में भारी स्राव को रोकने में मदद करता है। यदि आपके चेहरे पर मुहासे हो गए हैं तो इसके लिए सेमल की छाल बहुत उपयोगी है। आप अपने चेहरे की खूबसूरती को बनाए रखने और चेहरे के मुहासों और त्वचा दोष को ठीक करने के लिए सेमल की छाल का उपयोग कर सकते हैं। आप सेमल पेड़ के तने से कांटेदार भाग को निकालें और इसका पेस्ट तैयार करें। सेमल की छाल का पेस्ट तैयार होने के बाद आप इसका उपयोग प्रभावित क्षेत्र में करें। यह फोड़े और मुहासों का उपचार करने के साथ साथ त्वचा की जलन का भी उपचार करता है। यदि नियमित रूप से इस छाल का उपयोग चेहरे की त्वचा पर किया जाए तो यह मुहासों के दाग और चेहरे की झाई आदि को बिल्कुल मिटा सकता है। दुर्बलता को दूर करने में सेमल के फूल के बहुत फायदे हैं। यदि आपको शारीरिक दुर्बलता है तो आपके लिए सेमल के फूल किसी टॉनिक से कम नहीं है। आप इसके फूलों के डंठल वाले भाग जो कि हरे होते हैं उन्हें लें और छांव में सुखा लें। सूखे हुए इन फूलों को पीसकर पाउडर बना लें।
एक गिलास दूध में 2 बड़े चम्मच शहद, 1 बड़ा चम्मच देसी घी और 1 छोटा चम्मच सेमल फूल को मिलाकर दिन में 2 बार सेवन करें। यह आपके शरीर की कमजोरी को दूर करने में बहुत मदद करता है। सेमल जड़ की छाल का उपयोग माँ का दूध बढ़ाता है। स्तनपान कराने वाली माताओं को अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है। यदि उन्हें पर्याप्त पोषण प्राप्त नहीं होता है, तो इसके फल स्वरूप उनकी दूध उत्पादन की क्षमता में कमी हो सकती है, जो कि बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। आप इसकी जड़ों की छाल को निकाल लें और छांव में सुखाने के बाद इसे पीस कर पाउडर बना लें। महिलाएं इस पाउडर को पानी या दूध के साथ दिन में 2 बार सेवन करें। यह महिलाओं के दूध उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने में कारगर है। सेमल की जड़ सर्दी जुकाम को मिटाने में भी बहुत कारगर है। काली मिर्च और अदरक पाउडर में सेमल जड़ का पाउडर मिलाकर सेवन करने से आप सर्दी जुकाम से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप इस मिश्रण में सेमल की जड़ के पाउडर का उपयोग कम मात्रा में करें। यदि अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं, तो इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, इस तरह सेमल के पेड़ का तो बहुत फायदे हैं, इसके और भी अन्य फायदे हैं। जैसे यदि आपको मूत्र से संबंधित किसी प्रकार समस्या है, तो आप सेमल की जड़ों का उपयोग कर सकते हैं। सेमल की गोंद में शांति दिलाने वाले और एक टॉनिक की सभी गुण मौजूद होते हैं। इसका उपयोग आप पेचिस का उपचार करने के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस चमत्कारिक पेड़ से प्राप्त होने वाली रुई से तो परिचित होंगे ही। हालांकि इस रुई के कोई विशेष स्वास्थ्य लाभ नहीं है, फिर भी आप इस रुई का उपयोग तकिए, कुशन या सोफा के गद्दे बनाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सेमल की रुई प्रकृति में ठंडी होती है, इसलिए सर्दी के मौसम में इस रुई से बने तकिए का उपयोग रात में सोते समय नहीं करने चाहिए। यह आपके लिए जुकाम का खतरा बढ़ा सकता है। दोस्तों, याद रहे कि यदि आप अधिक मात्रा में सेमल की जड़ के पाउडर का सेवन करते हैं, तो यह आपकी यौन क्षमता को कम कर सकता है। आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन हो सकता है। इसका अत्यधिक मात्रा में सेवन आपकी चयापचय प्रणाली के कार्य को प्रभावित कर सकता है। एलर्जी वाले लोगों को सेमल के उत्पादों का सेवन करने से बचना चाहिए। यदि आप किसी विशेष प्रकार की दवाओं का सेवन करते हैं, तो सेमल का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों, आपको हमारे वीडियो कैसे लगे? वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, तो आप उसे कमेंट द्वारा जरूर पूछें। मैं जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद।